हेलो दोस्तों, टेक्निकल सरप्राइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले युवा इंस्टेंट कैश लोन ऐप और आपको बताने वाले किस तरह से आप इसके अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि एप्लीकेशन सच में आपको लोन प्रोवाइड करता है फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन कुछ परमिशन मांगा तो सभी परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद देख सकती है आप ऐसे मोबाइल नंबर फिलअप की वेरीफाई कर लीजिए, तो हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद देख सकती है आपको इसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसे दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे देख सकती है ऐसे आप आपका फुल नेम फिलअप कर दीजिए। फुल नेम फिलअप करने के बाद ऐसे आपका लास्ट नेम फिलअप कर दीजिए। ऐसे आपका मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों देख सकती है ऐसे आपकी बर्थ ऑफ डेट फिलअप कर दीजिए। बर्थ ऑफ डेट फिलअप करने के बाद ऐसे आपकी बर्थ ऑफ डेट फिलअप कर दीजिए। और ऐसे आप आपका जीमेल अकाउंट फिलअप कर दीजिए। और जीमेल अकाउंट फिलअप करने के बाद सिंपली आप ऐसे आपका जेंडर चूज कर लीजिए। अगर आप मेल है तो मेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो हम इसे मेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और आप ऐसे मैरिड है अनमैरिड है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। और आप इसे देख सकते हैं आप ऐसे आपका एड्रेस चूज कर लीजिए। एड्रेस चूज करने के बाद ऐसे आपका पिन कोड फिलअप कर दीजिए। पिन कोड फिलअप करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसे आपको पैन कार्ड का नंबर फिलअप करना होगा। पैन कार्ड का नंबर फिलअप करने के बाद देख सकते हैं ऐसे आपका आपके आधार कार्ड का नंबर फिलअप कर दीजिए। और आधार कार्ड का नंबर फिलअप करने के बाद देख सकते हैं अगर आप खुद सैलरी लेते या फिर सैलरी देते तो आप इसे चूज कर सकते हैं। और आप ऐसे मंथली इनकम फिलअप कर दीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऐसे आपको पैन कार्ड के फोटो अपलोड करेंगे। पैन कार्ड का फ्रंट फोटो या फिर अपलोड कर दीजिए। और ऐसे देख सकते हैं आधार कार्ड का फ्रंट फोटो एंड बैक फोटो अपलोड कर दीजिए। और ऐसे आपकी खुद की सेल्फी अपलोड कर दीजिए। और खुद की सेल्फी अपलोड करने के बाद सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देख सकती है ऐसे हमारे लिए 22,400 रुपये का लोन अप्रूव हो चुका है। बट ऐसे हमको देख सकती है ऐसे 149 रुपये हमको ऐसे पे करना पड़ रहा है। और दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन सबसे पहले आपको लोन देने से पहले पैसा मांगती है, एप्लीकेशन कभी भी रियल नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, हम चलते प्ले स्टोर की तरफ और जानते हैं कि लोगों ने इस एप्लीकेशन के अंदर पे करने के बाद उनको क्या पैसा मिला या फिर नहीं। तो सिंपली हम प्ले स्टोर को ओपन कर देते हैं और चलते हैं सी वर्ल्ड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देख सकते हैं हम इसे सी वर्ल्ड रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और सी वर्ल्ड रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद 1 स्टार के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, या फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, एप्लीकेशन ने 149 रुपये ले चुका है, बट या फिर अभी तक भी इस एप्लीकेशन ने उनको लोन प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी लोन प्रोवाइड नहीं करती, ये आपके साथ फ्रॉड करती है। आपसे 149 रुपये ले लेती है और आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देती। अगर आप इसी के अंदर पे करते तो आपको पे किया हुआ पैसा नहीं मिलता और लोन भी बिल्कुल भी नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।